तो भाइयों आप लोग फिर भी देख ही सकते हैं ये वाली रील वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा जो ये वाली वीडियो ट्रेंडिंग में चली हुई है। तो आप लोग मैं रील वीडियो आज बनानी सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ पे लाइट मोशन और पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो पहले ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को पिक्सल लैब एप्लीकेशन, जिसको खोलेंगे इंटरफेस कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। आप लोगों ने 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, इमेज साइज में जाएंगे, इमेज साइज में यहाँ पर आप लोगों ने टाइप करना है 9, देन हाई वाला रखना है आप लोगों ने यहाँ पे 16, उसके बाद ओके कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने जो है मतलब PNG जो है यहाँ से अपना ले लेना है फोटो, जो भी आप लोग चाहें तो अपना भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये वाला चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका क्रॉप एडजस्ट करके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉप कर लेंगे अपने हिसाब से जहाँ पर आप लोग इसको रखना चाह रहे हैं। कुछ मैं इस प्रकार से इसको यहाँ पर रख लूँगा, यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, नीचे तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक वाले में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे, यहाँ ब्लैक वाला सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक वैद अपने हिसाब से रख के राइट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे फिर शैडो में चले जाएंगे, इसको भी इनेबल कर लेंगे, ब्लैक वाला शैडो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लर रेड्यूस माइनस करके नीचे वाला जो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट तक, एंड नीचे वाला भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ से, इसका जो शैडो अच्छे से बन जाएगा। देन आप लोगों ने यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना, ये आप लोगों का जो इमेज वाला काम है वो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, ए वाले में जाके टैक्सेस में जाएंगे, एडिट में यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से आप लोगों ने अपनी शायरी वगैरह जो भी लिखनी है वो लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देन ओके करेंगे यहाँ से, उसके बाद इसको कुछ यहाँ पे रख लेना है, एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे भी आप लोग रखना चाह रहे हैं इसको। यहाँ पे ऐसा करने के बाद क्या करना है भाइयों, इधर आप लोगों को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, इधर रखने के बाद आप लोगों ने इधर स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले में जाना है, यहाँ से आप रेस्टर वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे, चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, ओके करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे रख लेंगे फोटो के नीचे रख लेंगे इसको। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे कलर्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जितना कलर जोन सा रखना चाह रहे हैं उस पर पेस्ट करके रखना है यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरीके से कर लें, जितने भी कलर लेना चाह रहे हैं इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक यहाँ से कर लेंगे उतने कलर लेने के बाद। ठीक है, यहाँ आप लोगों का कलर वाला काम जो हो जाएगा। उसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक वाले में जाएंगे भाइयों, यहाँ से स्ट्रोक वाला इनेबल करेंगे, ब्लैक वाला सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक वैद थोड़ी सी बढ़ा के राइट पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इधर आना है, शैडो वाला नज़र आ रहा होगा साइड में, इसके इनेबल करेंगे, 100% इसकी ओपिसिटी रखेंगे, उसके बाद राइट पे क्लिक यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे 3D शैडो वाला नज़र आ रहा होगा, इसको भी इनेबल कर लेंगे, इसकी ओपिसिटी अपने हिसाब से रखेंगे जितनी रखना चाह रहे हैं, उसके बाद राइट पे यहाँ से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे फिर से टैक्सेस में चले जाना है, टैक्सेस में जाने के बाद यहाँ से थोड़े से स्टिकर ले लेंगे हम लोग, आप लोग कितने भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ज़्यादा स्टिकर नहीं लूँगा, यहाँ से ये स्टिकर लेने के बाद ओके कर लेंगे। स्टिकर्स को कुछ यहाँ पे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे रखने हैं आप लोगों को, चाहे आप नीचे भी रख सकते हैं स्टिकर को, यहाँ पे भी रख लेंगे, मैं फिर भी आप यहाँ पे इसको रख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद इधर स्क्रॉल कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे शैडो वाला नज़र आ रहा होगा, इसको इनेबल करेंगे बस, 100% ओपिसिटी रख के राइट पे क्लिक कर लेंगे, 3D शैडो वाला भी इनेबल इसका कर लेंगे, ओपिसिटी 40% रहने देंगे, चाहे कम कर लें, उसके बाद राइट पे क्लिक कर लेंगे। लास्ट वाला जो इसके सबसे लास्ट में, इसको इनेबल करेंगे कुछ, इसको कम कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद राइट पे इसे भी क्लिक कर देंगे, ये जो मतलब इतना तो हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पे टैप करेंगे, फिर से टैक्सेस वाले में जाएंगे, एडिट में चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जो अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम कुछ इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, इसको कर लेंगे यहाँ से कुछ इस प्रकार से, जो ये अपने यूज़र नेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है भाई, ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से छोटा करके जो अपनी शायरी के जो नीचे रख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पहले एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद इधर स्क्रॉल करना है, कलर वाले में चले जाएंगे, यहाँ से ब्लैक कलर इसका रखना है, उसके बाद राइट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले में जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉगर सेंस वाला फ़ॉन्ट नज़र आ रहा होगा, ये वाला ब्लॉगर सेंस वाला आप लोगों ने ले लेना है। उसके बाद इधर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद क्या लेना भाई, यहाँ पे 3D शैडो वाला नज़र आ रहा है, इसको इनेबल कर लेंगे, मतलब इसकी ओपेसिटी अपने हिसाब से रख के राइट पे क्लिक करेंगे, लास्ट वाला भी इनेबल कर लेंगे, देन राइट पे क्लिक कर देंगे, इतना काम हो जाएगा। आप लोगों ने फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को इंस्टाग्राम का जो मतलब लोगो है वो चाहिए होगा, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड इसको कर लें, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लेंगे अपने जो मतलब यूज़र नेम के शुरू में इसको रख लेना है, यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे कुछ इस तरीके से। रखने के बाद नीचे तीसरा नंबर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर स्क्रॉल करना है, स्ट्रोक वाले में चले जाना है, ओपन करना है, रेड वाला इसका स्ट्रोक रखना है, देन राइट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद शैडो वाला इनेबल करके ओपेसिटी के अपने हिसाब से रख के राइट पे क्लिक कर लेंगे। ये आप लोगों का जो मतलब पूरा पिक्चर एडिट हो चुका है। उसके बाद चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेव इस इमेज पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला PNG रखना है, नीचे वाला अल्ट्रा रख लेंगे यहाँ से, देन सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ आप लोगों का जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट मोशन की जरूरत आप लोगों को यहाँ से पड़ने वाली है। यहाँ से लाइट मोशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा। अपने फ़ोन का नेट ऑन करके इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है यहाँ से।
ये थोड़ा मेरा लोड ले रहा है, हो जाएगा। देन आप लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9960 रेशियो रख के क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेंगे, मीडिया में चले जाएंगे। यहाँ से जो आप लोगों ने PNG एडिट की है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। इसका साइज यहाँ से पकड़ के एडजस्ट कर लेंगे आप लोग जितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से करने के बाद इस पर टैप करना है, यहाँ से मतलब यहाँ से खींच के इसको वीडियो जितना भी आप लोग बनाना चाह रहे हैं उतना रख लेंगे, इजीली हो जाएगा। मेरा वीडियो लगभग 8 सेकंड का बन चुका है। उसके बाद इसी पे क्लिक करना है, लिरिक्स वाली पे मतलब इमेज वाली पे, इफेक्ट में जाएंगे, एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, सर्च बार में लिखना है यहाँ पे वेव, वेव बार वाला ऊपर वाला नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाएंगे, एक प्लस का आइकन शुरू में दे देना है, इसको 2.50 तक रख लेंगे, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाएगा फर्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो के लास्ट में जाके एक प्लस का आइकन यहाँ पे दे देंगे एंड इसको 0.00 कर लेंगे। उसके बाद नीचे नजर आ रहा होगा स्पेसिंग वाला, यहाँ पे स्पेसिंग वाला, इसको 3.00 कर लेना है आप लोगों ने, इस तरीके से हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करना है भाइयों, यहाँ पे इसके नीचे वाला नजर आ रहा होगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे, इसको 2.00 कर लेना है। उसके बाद अपनी स्क्रीन पे टैप कर लेंगे, ठीक है। वेव वार्प वाला इफेक्ट मेरा देख लें आप मेरी वीडियो में कितने अच्छे तरीके से जो ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या करना भाई, इसी पे टैप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, सर्च बार में टाइप करना है ब्लर, यहाँ से ब्लर सर्च करना है, ब्लर बहुत टाइप के नजर आ जाएंगे, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन गैस्टर ब्लर वाला मैं लूंगा। यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ब्लर वाले में जाएंगे, शुरू में एक प्लस का आइकन दे देना है, देन ब्लर की कैपेसिटी जितना रखना चाह रहे हैं इतनी यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, जितना आप रखना चाह रहे हैं उतनी वीडियो इधर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे एक प्लस का आइकन देंगे। उसके बाद इसको 0.00 करके स्क्रीन पे अपनी टैप कर लेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से जो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करना है, इसी पे टैप करना है, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, सर्च बार में टाइप करना है पेज कर्ल, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इस पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे यहाँ से चले जाएंगे, पेज कर्ल वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे नीचे एंगल वाला नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसको जो 90 पॉइंट तक मतलब इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है इधर 90 डिग्री तक, इसको जो इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, कम नहीं करना, ज़्यादा करना है, 90 डिग्री पे यहाँ पे इसको कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, 90 डिग्री पे ही रखना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्या करना है भाइयों, और ऑप्शन को भी ये नहीं छेड़ना है आप लोगों ने, पहले इसको 90 डिग्री कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर वाला प्रोग्रेस वाला जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना है, इतना बस। उसके बाद ही नीचे रेडियस वाला नजर आ रहा होगा, बीच वाला यहाँ पे, इसको जो माइनस करना है मतलब माइनस, ये थोड़ा जो छोटा हो गया फोल्ड होगा मतलब, उस तरीके से कर लेना। देन आप लोगों को ऊपर वाले में जाना है, फिर ऐसे करने के बाद शुरू में मतलब यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद एक प्लस का आइकन शुरू में दे देंगे, जितने सेकंड तक मतलब वीडियो में इसको स्क्रॉल कर नीचे पूरा फ्लैट करना चाह रहे हैं यहाँ से पहले कर लेंगे, इतने सेकंड तक वीडियो स्क्रॉल कर लेंगे, इधर एक प्लस का आइकन दे देंगे जहाँ से मतलब फ्लैट हो जाए पूरा, जहाँ पे आके एक प्लस का आइकन यहाँ पे देंगे, फिर इस तरीके से इसको जो कम कर देना है इसकी प्रोग्रेस को, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अपनी स्क्रीन पे टैप कर लेंगे, ये वाला इफेक्ट पेज कर वाला जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भी आप लोगों को लग जाएगा। उसके बाद एक और इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेना है, पहले वीडियो देख लें किस तरीके का मेरा बन चुका है ये वाला इफेक्ट लग के। इस पे जाएंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे, सर्च बार में टाइप करना है ग्लो स्कैन, दूसरे नंबर वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ग्लो स्कैन वाले भी जाएंगे, शुरू में एक प्लस का आइकन दे देना है, देन एक लास्ट में प्लस का आइकन यहाँ से भी दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको जीरो मतलब 100% कर देना है, 1.00 कर देना है इसको, देन अपनी स्क्रीन पर जो टैप कर लेंगे। यहाँ से मेरा ये वाला इफेक्ट भी जो लग चुका है ग्लो स्कैन वाला, देख ले मेरा वीडियो कितने अच्छे तरीके से जो बन के तैयार हो चुका है। होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आप लोगों को सेव करनी है तो इस पे सेटिंग के साइड में कौन नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट पे वीडियो पे करके क्लिक कर लेंगे, वीडियो आपकी इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगी आप लोगों को। बाकी अगर तो इफेक्ट वगैरह XML वगैरह कुछ भी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।